देखिए फ्रेंड, ये सनई का फूल है और ये देखिए इसका फूल ही है, इसमें ऐसा फूल रहता है। इसका नहीं बनाना है सब्जी, इसको आप पकौड़ी भी बनाए खा सकती हैं। और ये देखिए मसाला जो इसमें डाला जाएगा, सरसों, काली मिर्च, जीरा और ये हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, इन सारे मसालों को मैं पीस कर अच्छे तरीके से पेस्ट बना लूँगी दोस्तों। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, ये मसाला पीस चुका है और मैंने कढ़ाई भी बैठा दिया है। ये देखिए तड़के के लिए मैंने जीरा और राई लिया है और तेल भी मेरी गर्म हो चुकी है। मैं इसमें तड़का डाल दूँगी। जो फूल है सनई का, देखिए फ्रेंड इसको भून लेना है और इसको ज़्यादा नहीं भूनना है फ्रेंड, बस थोड़ा सा भूनना है। और जो मैंने मसाला पीसा था वो मैं सब मसाला इसमें ऐड कर दूँगी। इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी आता है, इसका स्वाद मछली की तरह फ्लेवर आता है, जैसे मछली हम लोग खाते हैं भूनकर, इसी तरीके का इसका स्वाद आता है दोस्तों। और इसमें कुछ सूखे मसाले मैं डालूँगी। बने रहिएगा मेरे वीडियो पर, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए लाल मिर्च पाउडर है, ये हल्दी पाउडर, बस इतना ही मसाला मुझे डालना है। इसको अच्छे तरीके से मैं मिला लूँगी। इसमें दोस्तों ये पानी नहीं डाला जाता है, इसमें ये सूखा ही सब्जी बनता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका मसाला जब तक पूरे तरीके से भून नहीं जाता है तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी, क्योंकि इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है और ये हमारे बनारस में बहुत बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। मेरे वीडियो में चैनल पहली बार आए तो बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। अभी लगभग हो चुका है दोस्त, एक दो मिनट और मैं भूनूंगी, उसके बाद ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे रोटी, ये ज़्यादातर रोटी के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर आप चावल के साथ भी खा सकती हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसका फ्लेवर मछली के स्वाद की तरह लगता है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी फ्रेंड। अभी सब्जी बनकर तैयार हो चुका है, आइए मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। फ्रेंड, ये सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।